अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सोया चीज़ पराठे की रेसिपी बता रही हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट सबसे पहले हम नोट करते हैं। मेरे पास है सोया, ये धुला हुआ, बिल्कुल इसको वॉश करके ड्राई कर लेना है। तकरीबन 2 कप है मेरे पास, 2 कप है सोया डिल, और 1 कप मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, और 1 कप मेरे पास चेडर चीज़ है, और ये ऑप्शनल है, आप चीज़ के बगैर भी पराठे बना सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 स्मॉल ऑनियन है चॉप्ड फाइनली, और 1 कप मेरे पास है ग्रीन ऑनियन जो होते हैं, सब्ज प्याज जिसको बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। इसके अंदर 4 मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं, सब्ज मिर्ची हैं 4, और 1 जो है वो सुर्ख मिर्च है जो फ्रेश वाली होती है। इन सबको मैंने चॉप कर लिया, 4 ग्रीन चिलीज एंड 1 रेड चिली जो फ्रेश है, इनको फाइनली चॉप किया है, और 1 टीस्पून है क्रश रेड चिली। तो जो चिली है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और सॉल्ट भी। तो मेरे पास 3 कप मेरे पास फ्लावर है, होल मील फ्लावर जो आटा हम यूज़ करते हैं, या आप हाफ जो है आप इसमें 1.5 कप आप फ्लावर या प्लेन फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, और 1.5 कप आप इसके अंदर आटा जो नॉर्मली रोटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं, होल मील फ्लावर। और 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ऑलिव ऑयल है, इसमें मैंने डाला। तो हम इसको पानी डाल के, तो एक डो जो नॉर्मली हम पराठे रोटी के लिए गूंथते हैं आटा, वैसा बना लेंगे, और बाकी हम ये सारी जो चीज़ें हैं इनको चीज़ के अंदर मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम चीज़ में ये सोया डाल देंगे, चीज़ और सोया, ऑनियन, ग्रीन ऑनियन, ये ग्रीन चिलीज इसमें चली जाएंगी, सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये है क्रश रेड चिलीज। तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके और रख लें, और उसके बाद फिर जब हम डो बना लेंगे तो फिर इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो ये जो हमारा आटा है बिल्कुल रेडी है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है। तो ये अच्छा, ये इतना नरम सा है, बहुत सख्त भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है, जैसे हम रोटी के लिए गूंथते हैं वैसे ही हमें गूंदना है। तो अब हम इसके पेड़े बना के तो इसकी पराठे की शेप देंगे। और अगर आपने चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी तो आप बाकी चीज़ को छोड़ के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स कर लें, और उसके बाद आप जो, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बना के रख सकते हैं, सरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, अब रमज़ान है तो आप उसमें बहुत अच्छे ये रहेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आप फ्रिज में रखते हैं, और बनाने से पहले आप इसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर दें। तो ये हमारे पराठे की फिलिंग इसमें जाएगी, और उसके बाद हम इधर साइडों से इसको पकड़ के ऐसे, और एयर इसको निकाल के तो इसको इधर से बंद कर देंगे। एक तो इस तरह से है, और एक ये मैं आपको एक और तरीके से पराठा बताती हूँ। इसको हमने रोल करना है फुल, तो इसको हमने अच्छा बारीक सा पतला सा यूं रोल करना है, रोटी की तरह बारीक सी। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये जो है ऑयल से ब्रश कर देना है, या बटर लगा सकते हैं। ये हमने जो पेड़े बनाए थे, अब इसको हम रोल करके पराठे को, तो अब हम इसको कुक कर लेंगे, पका लेंगे, बस इतना साफ इसको करना। पैन हमारा गर्म है तो हम इसमें ये पराठा डाल देंगे, और अब इसको कुक करेंगे एक साइड, जब तक अच्छी गोल्डन हो जाए तो हल्का सा ऊपर ऑयल करेंगे, और फिर हमारा रेडी हो जाएगा पराठा। ये हमारी एक साइड पराठे की बिल्कुल हो गई है, तो अब हम इसको दूसरी साइड से हल्का सा कुक करेंगे, और इसके ऊपर ऑयल से ऑयल बटर कुछ भी आप लगाएं, बहुत ही मज़े के बन रहे हैं ये पराठे।
तो ये हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।